सपा में अखिलेश यादव की जगह विधानसभा में कौन संभालेंगे विपक्ष की कमान। अखिलेश ने तय कर लिया किसे बनाएंगे नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष की रेस में तीन नेताओं के नाम सबसे आगे, शिवपाल यादव के साथ इस रेस में और है नेता। शिवपाल एक मामले में सपा के इन दो कद्दावर नेताओं पर पड़ रहे भारी, अखिलेश अब शिवपाल को ही बनाएंगे नेता प्रतिपक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नए चेहरे के लिए सियासी हलचल तेज है। अब पार्टी अगले सप्ताह नए चेहरे के लिए नामों पर मंथन करेगी। विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जल्द मोहर लग सकती है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले करहल विधानसभा सीट से विधायक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। इस कारण विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया है। अब इसके लिए सपा महासचिव शिवपाल यादव का नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। माना जा रहा है इस सत्र के शुरू होने से पहले पार्टी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय कर लेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे तो उनके स्थान पर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। पार्टी में फिलहाल तीन नामों पर बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है। इनमें शिवपाल सिंह यादव के अलावा दो और नाम हैं, जिनमें रामअचल राजभर और इंद्रजीत सरोज शामिल हैं। तीनों ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऐसा व्यक्ति बनाया जाए जिससे पीडीए की धार को और मजबूत किया जा सके। यही कारण है कि पार्टी पिछड़ा या दलित में से किसी एक को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहती है। सबसे प्रबल दावेदार अखिलेश यादव के चाचा और जसवंत नगर के विधायक शिवपाल हैं। छह बार के विधायक शिवपाल साल 2009 से 2012 तक नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। सपा साल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण भी साध रही है, ऐसे में इस पद के लिए पार्टी अति पिछड़े और दलित नेता के नाम पर भी विचार कर रही है। वहीं दलित नेताओं में पांच बार के विधायक इंद्रजीत सरोज को भी दावेदार माना जा रहा है। कौशाम्बी की मंझनपुर सीट से विधायक इंद्रजीत बसपा की मायावती सरकार में समाज कल्याण मंत्री रह चुके हैं। इस बार इनका बेटा पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से सांसद चुना गया है। तीसरा नाम अति पिछड़ी जाति में आने वाले अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट के विधायक रामअचल राजभर का चल रहा है। छह बार के विधायक राजभर मायावती की सरकार में साल 2007 से 2012 तक परिवहन मंत्री रह चुके हैं। पिछड़ी जातियों में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। सपा अध्यक्ष जल्द ही इनमें से किसी एक को नेता विरोधी दल का दायित्व सौंप सकते हैं। अब तीनों नामों में इससे जिसका नाम आगे है वो है शिवपाल यादव। माना जा रहा है शिवपाल यादव ही नेता प्रतिपक्ष होंगे।